गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल मैंने वीडियो डाला था 8 क्लास का, आज चैप्टर 2 है। कल चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया था, 1 पढ़ाया था, आज 2 शुरुआत करेंगे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, व्हेन वेयर और हाउ की कोई घटना जो घटी एशियन टाइम में वो कैसे घटी, कहाँ घटी और क्यों घटी, इन तमाम क्वेश्चनों पर हमने पढ़ा था। आज जो 8 क्लास का जो मेन चैप्टर शुरू हो रहा है वो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर के किस तरह से भारत में जब मुगल वंश का डिक्लाइन हुआ, जब उन लोग का जब डिक्लाइन होने के बाद किस तरह से कंपनी यहाँ पे भारत आए और अपनी वर्चस्व को धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से शुरू किया और धीरे धीरे पूरे राज्य पर अपना शासन बरकरार कर लिया। तो आज चलते हैं इस चैप्टर में, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि यूरोपीय कंट्री का आगमन किस तरह से हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि सन 1498 में सर्वप्रथम वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया, क्योंकि इससे पहले जो 1498 यानी 1498 ईस्वी के पहले का जो पीरियड था यूरोपीय लोगों को ये पता नहीं था कि इंडिया भी कोई एक कंट्री है। परंतु जब 1498 में भारत पुर्तगाली वास्को डिगामा जब आए तो यहाँ के चीज़ों को देखा, यहाँ मसाले उत्तम किस्म के थे, यहाँ ईख का उत्पादन होता था, यहाँ कपड़े के लिए सूती वस्त्र काफ़ी प्रसिद्ध थे, उसके अलावा रेशम वस्त्र थे। तो वो देखकर वो बहुत ही आश्चर्य किया और सर्वप्रथम वो कालीकट बंदरगाह पर आया था केरला में, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के राजा के द्वारा स्वागत किया गया और सोने चांदी के बदले यहाँ से कई सारे मसाले ले गए। और जब मसाला ले गया तो वहाँ पूरे यूरोपीय देशों में काफ़ी चर्चा हो गई कि इंडिया एक देश है जहाँ काफ़ी उत्तम किस्म के मसाले मिलते हैं। तो वहाँ से सबसे सर्वप्रथम पुर्तगालियों का ही यहाँ पर आगमन हुआ और उन्होंने ही शुरुआत में 1500 ईस्वी के आसपास में उन्होंने क्या किया, भारत में कंपनियाँ भी छोटे मोटे तौर पे खोली। उसके बाद डच कंपनी आई भारत में और उसके बाद फ्रांस के लोगों ने आए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आगमन सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में भारत में हुआ। इससे पहले एक बार जो थे वो टॉमस रो जो थे वो जहांगीर के काल में भारत आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से कि हमको व्यापार करना है, उसके लिए परमिशन के लिए, तो तभी से परमिशन मिला था। और सर्वप्रथम 1600 में ही मतलब सूरत में सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। तो ये कंपनी जब आई, यहाँ पे हेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब ही है कि ट्रेड का मतलब व्यापार करना और ट्रेड यानी व्यापार से टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है जैसे हम लोग कैसे हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, यानी कि एक व्यापारी किस तरह से व्यापार करते करते एक राज्य पर शासन करने लगा उसकी कहानी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, बाकी जितने भी कंपनियाँ थी वो उतने बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, उसके पीछे का रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी भी रही है क्योंकि ये उन लोगों को किसी न किसी माध्यम से हराने में सक्षम रही और उन कंपनियों का उतना वर्चस्व नहीं पड़ा। कुछ जो कंपनी जो थी पुर्तगाली कंपनी जो कुछ खास क्षेत्रों में ही एक दो कंपनी बनकर रह गई, परंतु जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ये अपना सबसे पहले अपना पावर करने के लिए अपना एक कंपनी खोला सूरत में। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टार्ट किया बंगाल में, और बंगाल में सन 1651 ईस्वी में अपनी कंपनी हुगली में खोली जो कोलकाता भी के पास है, तो वहीं से इस्टेब्लिश की। और यहाँ जो मुर्शिद अली खां यहाँ के शासक थे जो दिल्ली शासक द्वारा मतलब यहाँ से रिवेन्यू वसूलने का काम होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला अगर यहाँ वर्चस्व बनाना चाहा तो वो बंगाल में बनाना चाहा। और बंगाल में इसलिए भी रीजन हुआ कि वहाँ से औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था
और उस फरमान में बंगाल के क्षेत्रों में उसे मतलब रिवेन्यू वसूलने का और कंपनी व्यापार करने का फ्री, जिसको राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री नाम से उसको फरमान जारी कर दिया कि आप जाइए बंगाल में, आप व्यापार करिए, आप कर सकते, कोई दिक्कत ना। तो वहाँ को जो शासक था ये इस तरह से व्यापार शुरू किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा किसानों को भी नुकसान होने लगा कि क्योंकि यहाँ तीनकठिया प्रणाली चलाने लगा था, नील की खेती जबरदस्ती करवाने लगा, और इस तरह से यहाँ की जो स्थिति थी ना वो दिन प्रतिदिन खराब होते गई। तो वहाँ एक शासक थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कहा कि हम आपके जो रूल्स है कंपनी का वो उसके उसमें ये विधान डालना चाहिए कि नहीं, आप जिस तरह से व्यापार में कर रहे हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये चीज़ मंजूर नहीं था किनको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेज लोग कहा कि नहीं, तब तो युद्ध हुई और वही पलासी नाम के जगह पर 1756 में स्टार्ट हुआ ये युद्ध सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। और उसी युद्ध के बाद जो है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, हार गया इसलिए क्योंकि इसका सेनापति मीर जाफर था जो इसको धोखाधड़ी, यानी कि जो सेनापति था वो सेना को लड़ने से ही इनकार करवा दिया, जिसकी खामियाजा ये हुआ कि ये अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेज मीर जाफर को वहाँ का शासक बना दिया बंगाल का। और जब बंगाल का शासक बना, जब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगा, तो वो क्योंकि ये अंग्रेजों के अधीन में था, अंग्रेज जब चाहे जिस तरह से उसका शासन करवा सकते थे। फिर इसे भी हटाकर इसका एक और था मीर कासिम को बना दिया, और मीर कासिम अपना राजधानी बंगाल का जो था शुरुआत में ढाका से, फिर मुर्शिदाबाद भी आया, उसके बाद मुंगेर ले आए। मीर कासिम ने ही बंगाल की राजधानी कहाँ ले आया, मुंगेर उस समय, इसीलिए राजधानी के बाद ही वहाँ गन फैक्ट्री भी खोली गई थी। और उसके अलावा जब प्लासी का युद्ध हुआ तो ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश ना, क्योंकि अंग्रेजों का जो दबाव था ना वो ज़्यादा पड़ रहा था, तो इसके वजह से जो मीर कासिम था वो अवध के नवाब सुजादुद्दौला द्वारा मिलकर और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर एक और युद्ध लड़े 1764 में, जिसको बक्सर का युद्ध यानी बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया। इसमें भी अंग्रेजों ने इन लोग को हरा दिया, और हारने के बाद पूरे अगर बंगाल की बात करें तो पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, अंग्रेज अपना व्यवस्था चलाने लगे। और तब से गवर्नर जनरल बंगाल का नियुक्त किया जाने लगा, और जनरल नियुक्त किया जाना, और सबसे पहला जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जो आए वो 1773 के आसपास में, 1773 से 1785 का काल रहा है। और उसके बाद जो है वो कंपनी बिकम नवाब, क्योंकि अब हो गया क्या कि कंपनी एक क्षेत्र का नवाब बन गई, नवाब बन के बैठी पड़ी। अब इसका एक ही उद्देश्य था कि जिस तरह से बिहार बंगाल का क्षेत्र ही हुआ करता था, तो पूरे बंगाल पर जो शासन व्यवस्था कर रही थी उसको चाहा कि अब पूरे भारत में फैलाया जाए, ताकि और क्षेत्रों से अधिक रिवेन्यू मिले और वो अपने इंग्लैंड भेज सके वो सारे धन को। तो उसके बाद उन्होंने टीपू सुल्तान का जो मैसूर क्षेत्र था वहाँ पर अलीवर्दी खान जहाँ का शासक था, बाद में जो है उसका बेटा आया टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, मैसूर का बाघ कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और उन्होंने तीन लड़ाइयाँ लड़ी, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय और तृतीय, जिसको अलग अलग संधियों के द्वारा निपटारा कर लिया गया, और 1792 में मैसूर क्षेत्र भी अंग्रेजों के क्षेत्र में जा मिला। उसके बाद इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, फिर सिख क्षेत्र में यानी जो सिखों का जो था पंजाब का क्षेत्र जो था, उन क्षेत्रों को भी इन्होंने लड़ना शुरू किया और उसको भी अपने में मिला लिया। उसके बाद वार विथ मराठा,
फिर मराठों के साथ जो शिवाजी का आधिपत्य में था, उसका बाजीराव द्वितीय ये सब जो शासक हुए, तो मराठा को भी अंग्रेजों ने हराने में सक्षम हुए और मराठे क्षेत्र को भी, क्योंकि उस समय की सबसे शक्तिशाली माना जाता था मराठा क्षेत्र, उसको भी अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। उसमें मिलाने में सबसे अहम भूमिका कॉर्नवालिस ने भी अपनाई थी। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि हड़प नीति के नाम से डलहौजी के काल से माना जाता है, क्योंकि डलहौजी जो थे वो 1848-1856, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि अगर किसी राज्य का राजा मर गया हो तो वो अंग्रेजों का हो जाएगा, या किसी भी राज्य का अगर राजा नहीं है और कोई उसका कोई दत्तक पुदत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र अगर है तो भी वो राजा, जैसे झांसी का जो क्षेत्र था इसी नाम पर जो है उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, मतलब उसको अंग्रेजों मिला दिया गया। इसमें अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से देखें, जो जो राज्य सबसे पहले सतारा 1848 में उसको मिलाया गया, फिर संबलपुर 1850 में उसको मिला लिया गया अंग्रेजों में, उदयपुर 1852 में, उसके बाद नागपुर 1853 में, तो इन तमाम, उसके बाद झांसी 1854 में, जो जिसका झांसी का क्षेत्र है, जो ये मेन रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो 1857 के विद्रोह, जो अगले क्लास में आएगा रिवोल्ट होगा, उसमें अहम भूमिका ये सब निभाएगा, क्योंकि इनकी जो नीति थी डलहौजी का वो काफ़ी अलग थी। राजाओं को बहुत इससे नुकसान हुआ और उन लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से ऐसा कुछ रिवोल्ट हो या आंदोलन हो जिसमें वो लड़ना चाह रहे थे। तो ये जो इसमें है, कंपनी जो है अपनी रूल को एक्सपेंड किया, धीरे धीरे क्षेत्रों को जीता और अंग्रेज अपने में मिलाते चले गए, और ये काल 1856 तक जो लॉर्ड डलहौजी का काल है, उसके बाद 56 में ही उसका काल ख़त्म होता है और आते हैं लॉर्ड कैनिंग आएंगे, जिसके काल में 1857 का विद्रोह होगा, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन रूप से इसमें था कि धीरे धीरे जो अंग्रेज जो कंपनियां थी वो पहले अपने आप को व्यापार में बढ़ावा दिया और मौका पाते ही धीरे धीरे प्रशासन में भी घुसते गए, और प्रशासन होने के बाद जो था वो अब पूरे क्षेत्र को पूरे भारत पर अपना क्या हो गया, वर्चस्व बना लिया, और यहाँ पर पूरे जो बंगाल का नवाब हुआ करता था वो भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। उसमें एक और गवर्नर जनरल थे जो 1835 के आसपास का जो काल है वो विलियम बेंटिंक का काल था, विलियम बेंटिंक का काल इसलिए थोड़ा सा मशहूर है कि उसने दास प्रथा तथा जो सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने जो सती प्रथा था उन तमाम जो समाज में कुरीतियां आई थी उसको भी अलग करने में इसकी अहम भूमिका रही थी। तो ये उसके अलावा डाक व्यवस्था में भी सुदृढ़ीकरण हुआ था 1835 के आसपास का समय में। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट था, कंपनी जो था धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया और एक पावर के रूप में उभर कर आया। इस पावर का सबसे पहला विरोध जो है वो 1857 में होगा, जो 1857 के क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके क्या कारण हुए, उसका क्या परिणाम निकला, वो सब फिर आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक मोटा मोटी बात जो थी वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बुक पढ़ते रहिए और इस कोरोना काल में अपने आप को सेफ्टी रखें, अपने परिवार को सेफ्टी रखें, मास्क ज़रूर लगाएं और बाहर जाएँ तो मास्क लगा कर जाएँ, हैंड को सैनिटाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।